नमस्ते, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ विन ट्रेडर। आज मैं आपको लाइव दिखाने जा रही हूँ विन ट्रेडर का लेटेस्ट वर्जन, विन ट्रेडर 8.1 कैसे हमें पोजिशनल ट्रेड में सपोर्ट करते हैं। अभी मैंने ओपन किया, ये बालकृष्णा फ्यूचर का चार्ट है, ये 1 आवर का चार्ट है, टाइम फ्रेम 1 आवर है। तो इसमें हम जो ऐड करते हैं, चाहे वो MCX का होगा, NSE होगा, फॉरेन करेंसी, एग्रीकल्चर, कॉमिक्स, जो भी हम ऐड करते हैं उसका लाइव रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी बालकृष्णा का लाइव मार्केट रेट है 1245.05। तो यहाँ पे जो आ रहे हैं वो लाइव मार्केट रेट है, इसमें कोई भी डिले नहीं है, इट्स रियल टाइम टिक बाई टिक डाटा। एंड ये हमारे लेटेस्ट वर्जन में आप देख सकते हैं एक रेड कलर की डाउन आ रहा है, वो हमारा सेल करने का सिग्नल है। रेड डाउन आ रहा है सेल करने का सिग्नल है। एंड आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर की आप पैरो, वो बाय करने का सिग्नल है। ये दोनों सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल्स हैं, मीन्स ये सिग्नल जैसे आते हैं ना, सेम टाइम पे आपके स्क्रीन के अंदर एक अलर्ट मैसेज आएगा, एक पॉपअप मैसेज आएगा, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ। मीन्स अगर आपके सिस्टम में स्पीकर ऑन होगा तो एक हंडी की आवाज के साथ आपको सुनाई भी देगा, जैसे अलर्ट मैसेज आते हैं ना, आपको सुनाई भी देगा। तो इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा क्या रेट पे हमें बाय करना है, क्या रेट पे सेल करना, और प्राइस के साथ हमें अलर्ट आ जाएगा। लेकिन ये ट्रेड लेने से पहले फर्स्ट आपको दो कंफर्मेशन चेक करना होगा, क्योंकि आपको ये चेक करना होगा कि ये सिग्नल सॉफ्ट ने दिया है वो कंफर्म है या नहीं। कंफर्म होगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो बाय सिग्नल, ये जैसे मैंने अभी कहा सेल सिग्नल आते हैं, तो सेम टाइम पे हमें अलर्ट मैसेज भी आएगा, अदरवाइज आप ऊपर भी देख सकते हैं लास्ट सिग्नल का डिटेल्स यहाँ पे भी आ जाएगा। बालकृष्ण में 1 आवर चार्ट में सेल सिग्नल में दिया था सॉफ्टवेयर ने 1355 एंड द टाइम इज 115 एंड द डेट इज 31st August है। तो वो सिग्नल अभी भी चल रहा है एंड अभी मार्केट रेट के हिसाब से 108 पॉइंट्स मार्केट डाउन में। एंड स्टेटस में देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ने जो टारगेट दिया था वो पूरा अचीव हो गया। ये जो सॉफ्टवेयर हमें जो सिग्नल देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अभी ये अभी जो कंटिन्यू चल रहा है ना सेल सिग्नल, तो सेल सिग्नल जैसे एक्टिव होते हैं ना, फर्स्ट कन्फर्मेशन ट्रेड करने से पहले फर्स्ट एंड मेन कन्फर्मेशन आप सीधे नीचे देखिए, सीधे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए प्राइस इन सेल जोन। ये फर्स्ट एंड मेन कंफर्मेशन, प्राइस यहाँ पे सेल जोन में आना चाहिए। एंड द सेकंड कंफर्मेशन जहाँ पे हमें सिग्नल मिला है उसका नेक्स्ट कैंडल पे हमें एंट्री लेना होगा। यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हैं जो सिग्नल हमें मिला है एक कैंडल पे, तो हमें एंट्री लेना होगा नेक्स्ट कैंडल पे, क्योंकि ये जो एंट्री पॉइंट हमारा 1355 वो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग रेट है। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं सेकंड कंफर्मेशन भी चेक करने के बाद। सेकंड कंफर्मेशन सीधे नीचे बार, ये कंफर्मेशन बार है, वो बार का कलर भी रेड आना चाहिए। मींस दो ही कंफर्मेशन है, एक कंफर्मेशन प्राइस यहाँ पे सेल जोन में आना चाहिए एंड द सेकंड कंफर्मेशन नीचे का बार का कलर रेड आना चाहिए। ये दोनों पैरामीटर कंफर्म होगा दैट मींस वो सिग्नल कंफर्म है, देन डायरेक्ट हम ट्रेड ले सकते हैं। तो एक बार हमने ट्रेड लिया तो नीचे आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस लेवल नीचे आ जाएगा, वो भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है एंड उसके भी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं टारगेट 1, 2 एंड 3, तीनों टारगेट भी यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये सिग्नल के हिसाब से ये तीनों टारगेट ऑलरेडी आ गया, तो ये सिग्नल अचीव होने के बाद भी ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो सिग्नल भी कंटिन्यू चलेगा, तो वहां पे एक नेक्स्ट सिग्नल नहीं आएगा, ट्रेंड रिवर्स होगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्स होगा, देन ओनली वहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट मीन्स अभी सेल सिग्नल के बाद हमारा बाय सिग्नल ही आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल मिलने के बाद ये दो बार मार्कर रिवर्स हुआ था, लेकिन नीचे का बार आप देख सकते हैं कंटिन्यू विथ रेड कलर, दैट मीन्स ये इतना ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, रिवर्सल है ना, रिवर्स आप यहाँ पे जो रिवर्सल हुआ था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए नीचे का कंफर्मेशन बार चेंज नहीं हुआ। तो ये चेंज नेक्स्ट कंफर्म ट्रेंड आ गया तो नेक्स्ट एक सिग्नल आएगा, अदरवाइज ये सिग्नल कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यू चलेगा, तो वहां पे सॉफ्टवेयर में अगेन एक अपॉर्चुनिटी देगा री एंटर करने का। री एंटर मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं री एंट्री सजेशन में री एंट्री लिखा हुआ आ जाएगा। री एंट्री मीन्स आपको एक सेपरेट एंट्री पॉइंट भी मिलेगा एंड एक सेपरेट टारगेट भी देगा सॉफ्टवेयर, तो वहां पे हम चाहे तो दोबारा भी ये सेम सिग्नल पे सेपरेट एंट्री पॉइंट के साथ ट्रेड ले सकते हैं एंड यहाँ पे जो टारगेट देगा वही हम बुक कर सकते हैं। एंड इसमें आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट वर्जन में हम कैंडलस्टिक पैटर्न यूज नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे बार चार्ट पैटर्न। ये बार चार्ट मींस नॉर्मल ये बार का कलर रेड एंड ग्रीन है, बाय के लिए ग्रीन एंड सेल के लिए रेड है। ये रेड एंड ग्रीन के अलावा आप इसमें कुछ कलर्स देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कलर्स आएगा जैसे ऑरेंज कलर, लाइट ब्लू, MD कैंडल्स एंड व्हाइट कैंडल्स, ये सभी साइडवे का इंडिकेशन है। मीन्स नॉर्मल कैंडल का कलर रेड एंड ग्रीन है, इसके
अलावा जितना भी एक्स्ट्रा कैंडल्स कलर आ रहे हैं ना, वो साइडवे का इंडिकेशन है। तो अगर आप एक नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करेगा तो इसका इंडिकेशन हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम बार चार्ट यूज कर रहे हैं। एंड सेकंड एक और इंडिकेशन आएगा साइडवे का, नीचे मैंने आपको बताया था कन्फर्मेशन पैरामीटर 1 है ना, हमारा कंफर्मेशन प्राइस इन सेल जोन, सेल होगा तो सेल जोन बाय के लिए बाय जोन आएगा। इसके अलावा एक और जोन आएगा नो जोन डिटेक्टर करके आ जाएगा, वो भी साइडवे का इंडिकेशन है। तो इसलिए हम ये बार चार्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये आपको प्रिफर कर रहे हैं कैंडलस्टिक ही प्रिफर कर रहे हो तो कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन हमने दिया है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं एक रेड स्टार्स एंड येलो स्टार्स, ये रेड स्टार्स रेड कलर का स्टार्स ये रेसिस्टेंट लेवल है एंड येलो कलर का स्टार सपोर्ट लेवल है। तो इसके ऊपर रेसिस्टेंट सपोर्ट लेवल भी आ जाएगा। एंड अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारा लेटेस्ट स्कैनर है, ये अभी 5 मिनट पे हमने सेट किया, 5 एंड 15 मिनट नॉर्मली हम इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। तो हम चाहे तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये पोजिशनल ट्रेड है तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से हम इसका टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करते हैं। तो जो टाइम फ्रेम के हिसाब ये जो टाइम फ्रेम आप कन्वर्ट करेगा वो टाइम फ्रेम के हिसाब से वर्क करेगा। तो इसके अंदर हम जितना भी चार्ट ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्कैन करके इसमें सिग्नल देगा स्कैनर, वो भी हमारा जो स्कैनर है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल को आइडेंटिफाई करके आपको देते हैं। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल मीन्स, एक तो मैंने आपको अभी दिखाया ये जो एरो है ना, रेड एरो एंड ग्रीन एरो, वो एरो के साथ जो सिग्नल आते हैं ना उसको हम डायरेक्ट एंट्री कहते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया री एंट्री के बारे में, वो सेम री एंट्री स्कैनर में भी आपको मिलेगा। एंड थर्ड वन ये भी मैंने आपको दिखाया था, ये जो रेड एंड ग्रीन लाइन इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, ये ट्रेंड चेंज होते टाइम पे स्कैनर हमें सिग्नल देगा, रेयरली सिग्नल देगा। तो वो ट्रेंड यूज करके जो सिग्नल आते हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जैसे चेंज होते जो सिग्नल आते हैं ना तो उसमें रिस्क ज्यादा है, तो वो हम ये प्रिफर नहीं कर रहे कि आप ये फॉलो करने के लिए। तो ट्रेंड बेसिस सिग्नल है वो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड जो भी सिग्नल आते हैं आप ये राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, डैशबोर्ड के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, 1 बाय 1 करके लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने काफी ज्यादा चार्ट ओपन किया तो यहाँ पे जो सिंबल सिग्नल आते हैं ना उसको जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसी तरह के सिंबल आ जाएगा। इसी तरह के सिंबल मीन्स हमें जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए कि वही सिंबल के अंदर सॉफ्टवेयर ने सिग्नल दिया वो जल्दी देखने के लिए। तो ये डायरेक्ट यहाँ से ये बॉक्स आप देख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट एक चार्ट विंडो पे जाके ओपन होगा, वहां से आपको देखना होगा कि वो सॉफ्टवेयर ने सॉरी स्कैनर ने जो सिग्नल दिया है वो कंफर्म है या नहीं। कंफर्म होगा तो डायरेक्ट हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो इग्नोर करना चाहिए। एंड ये सॉफ्टवेयर हम 2009 से मार्केटिंग कर रहे हैं एंड यहाँ से हम वर्जन भी अपडेट करके देते हैं। तो हमारा लेटेस्ट वर्जन आप देख सकते हैं 8.1 है। तो 2009 पे हमने हमारा फर्स्ट वर्जन रिलीज किया था 2009, सेम ईयर हमारा सेकंड वर्जन भी आ गया था, उसके बाद हमारा थर्ड वर्जन रिलीज हुआ। हम एक्चुअली अपडेशन इसलिए करते हैं कि जो मार्केट चेंजेस होते हैं ना वो उसके हिसाब से हम इंडिकेटर्स भी चेंज करते हैं। तो ये ओल्ड इंडिकेटर अपडेशन करना होगा, तो ये नया ओल्ड इंडिकेटर लेके हम नया मार्केट में काम नहीं कर सकते, इसलिए हम वर्जन अपडेट करके देते। तो लेटेस्ट रनिंग वर्जन हमारे 8.1 है। तो हमारा एक और वर्जन भी आ रहा है 9.0, उसका टेस्ट रनिंग चल रहा है। तो उसके बाद वंस ये टेस्ट रनिंग सक्सेसफुल होगा तो हमारा लाइव ट्रेडिंग होगा, वो भी उसमें भी सक्सेसफुल रहेगा तो हमारा नया वर्जन फर्स्ट हम YouTube में वीडियो डालेगा, उसका फुल फंक्शन कैसे यूज करना उसका फुल हमारे YouTube का वीडियो रिलीज होगा, उसके बाद ये पब्लिक रिलीज होगा। तो हमारा जो भी कस्टमर्स है हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनको ये सॉफ्टवेयर का वर्जन जो नया वर्जन हम रिलीज करते हैं उनके लिए ये अपडेशन फ्री है। एंड ये अभी मैंने आपको दिखाया ये कैसे यूज करते हैं उसका डेमो लाइव टर्म है, वो आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माय नेम इज गंगा एंड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक तो आप कॉल कर सकते हैं नहीं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। माय नंबर इज 9061973737 और आप हमारा वेबसाइट में भी लॉग इन कर सकते हैं www.wintradersoft.com एंड wintrader.in। थैंक यू।